स्ट्रीम स्टार्ट स्टार्ट हुआ हो गया एंड द स्ट्रीम हैज स्टार्टेड हेलो एवरीवन माय सेल्फ शुवेंद्र विज अनपम्पुल एस टू टी सैसो टेक्नोलॉजी उर्फ हमपम और हम लोग हम लोग आज जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी बात करने वाले हैं जर्नोबल की और ये टी वी मिनी सीरीज है इसके बारे में हम लोग अपने थाट्स देंगे जल्दी जल्दी बस आज का एजेंडा यही है और क्या चल रहा है अनुपम लाइफ में उसके अलावा

तो कितने तो आज था? हम लोग बात करने वाले हैं चरणोबिल के बारे में उम्मीद करता हूं आपको पता हो क्योंकि टाइटल में लिखा हुआ है थंबनेल में लिखा हुआ है और उसके बाद भी आपको नहीं पता तो मैं वेलकम करूंगा आप रैंडम गेस्ट के तौर पे आए हैं बहुत बहुत मुबारक हो और इसी के साथ आज हम लोग चरणोबिल के बारे में बात करें जो टू में आई थी थोड़ी पुरानी हो गई है लेकिन वन ऑफ दी बेस्ट मिनी सीरीज कहा जाता है वन ऑफ दी बेस्ट तो पांडे जी आप बताइए अपने इसके स्पॉइलर फ्री थोड़ा एक वर्जन दें पांडे जी हाँ मैं तो बोलूँगा देखो भले ही टू में आया है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें उतना टच नहीं किया है बट कुछ कुछ इवेंट्स जो अभी हो रहे हैं अगर आप उसको देखोगे तो समझ पाओगे कि रशिया और जो यूक्रेन का हो रहा है जो लोग तो तेरे थॉट प्रोसेस या बाकी चीज़ों के बारे में बात करते कोई ये क्यों कर रहा है कोई ये क्यों कर रहा है अगर आप लोग को उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा पूरा कॉन्टेक्स्ट तो नहीं मिलेगा बट एक पार्ट मिल जाएगा हिस्ट्री का

जो मतलब हॉरर कैसे हो सकता है बट तब भी मैं इनिशली देखने थोड़ा डर रहा था क्योंकि क्योंकि मेरे को लोगों के वो क्योंकि मैंने इसके पहले ना, ना कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी ना मेरे को पता था कि रेडिएशन कैसे काम करता है कैसे इफेक्ट करता है ह्यूमन ह्यूमन बॉडी को हमारे लंग सिस्टम को और क्या करता है क्या करता है पूरा ही दिखा दिया है इसमें पूरा दिखा दिया क्या <laughs> हाँ हा, किस किस तरह से आपकी ले सकता है रेडिएशन और कितनी हवा में लोग बात कर रहे थे उस समय कि अरे कुछ नहीं है ये है बोलता है चलो आगे भाग रहा ले चल जाए हेलीकॉप्टर ले चल जाए उसके अंदर यहाँ पे धमाका हुआ था सो बेसिकली छोटे छोटे समरी में ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है और चयनोबिल के बारे में है और KGB के के वर्किंग्स के बारे में है कि क्यों वो डिज़ास्टर हो पाया क्या रीज़न्स डिज़ास्टर होने के और ये मैन मेड डिज़ास्टर था किसी ने कोई धमाका नहीं मारा टेररिस्ट अटैक नहीं था बेसिकली ये समझ लीजिए टेररिस्ट अटैक नहीं था ये मतलब पूरा फिलोसफी में जो उनका फॉल्ट था ये होना ही था बस आज नहीं तो कल और ये वो कल आ गया बस ऐसा समझ लीजिए होता ना कि आप गलत जगह पे पैसा काटोगे तो काटने आपको आ जाएगा वो वो तो बस वही हुआ जैसे कि हमारे केस में इंडिया केस में वैसा त्रासदी हुआ था भोपाल गैस त्रासदी पैसा गलत जगह से काटा जा रहा था मतलब सेफ्टी सिस्टम हमारे पास तीन थे तीनों से पैसा काटने लगे उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया उसका चेकिंग नहीं किया गया और एक बुरा दिन आ ही गया चरनोबिल भी समझ लीजिए वैसा ही था कि मतलब बनाने वालों ने डिजाइन किया कि भैया आप मैं कोशिश करता हूँ जितना कोशिश कर सकता हूँ लेकिन बजट कटिंग और इसी से आप लोगों ने मीम देखा होगा मार्केट में एक मीम चला था इस चीपर ये मीम जो है बहुत मीम है लेकिन बहुत रियलिस्टिक बात है कि काफी सारे हादसों का कारण यही होता है मतलब थोड़ा डरावना बात है कि आ, मतलब ये कितना बड़ा बड़ा त्रासदी हो चुका है इस दुनिया में जो बिकॉज इस चीपर मतलब दस रुपए बचाने के चक्कर में करोड़ों की नुकसान उठा लेते हैं हम लोग कई बार हुआ है ये चरनोबिल सबसे गंदा था क्योंकि काफी हद तक इसे मैनेज किया जा सकता था अर्ली स्टेजेस में अर्ली स्टेजेस में अर्ली स्टेजेस में जो घोटाला हुआ वो काफी भारी पड़ा लोगों को भी जगह को भी और अभी तो फिर से बुम बाम बड़ी शुरू हो गया है तो अब तो बोले ही क्या इसके बारे में <laughs> तो पांडे जी क्या आप कहेंगे लोगों को ये देखना चाहिए ये शो अगर आप लोगों में से किसी ने कश्मीर फाइल से ये सब देख के आए हैं और वो अच्छी लग रही है वो तो मूवी के तौर पे जैसे कि उसमें भी मैंने लोगों ने बहुत सारे खतरनाक ख़तरनाक सीन दिखाने की कोशिश की है बट अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन से तरह की पेसिंग वो देना चाह रहे हैं डायरेक्टर भले दोनों सिचुएशन और दोनों जेनेसाइड अलग है एक तो गलती से कर दिया एक जानबूझ के हुआ है बट जिस तरह की स्टोरी टेलिंग करना चाह रहा है जिस तरह आ, जिस तरह, जिस तरह की स्टोरी story... अब ऐसे कि तुमको मैं बहुत तुमने तुमने देखी नहीं कश्मीर फाइल्स जैसे कि जो बहुत बेसिक है एग्जाम्पल है ना वो जब अलग अलग फैमिलीज़ के बारे में दिखाता है ना इसमें अलग अलग फैमिलीज़ के बारे में और लोग क्या कर लोग, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं क्या हो रहा है तो उस टाइप का कुछ दिया है कश्मीर फाइल्स में डिफरेंस बस डायलॉग का है किसी में अच्छे डायलॉग हैं किसी में बाई नहीं करता है तो बस बाकी सब सही है तो मैं भी आप लोग कहूंगा कि ये जरूर देखिए अगर ये आपको ये सीरीज मिलेगी भाई, भाई आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये बताना हॉटस्टार पे है हाँ भाई ये HBO एक्सक्लूसिव है HBO नहीं HBO मैक्स के सिर्फ शोज नहीं आते हैं हॉटस्टार अच्छा, पे हैं। अच्छा अच्छा खैर चेक कर लूंगा तो ये मैं कहूंगा कि आप चेक कर लो इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए आपकी ये आप लोग देखिए लेकिन हाँ ये थोड़ा सा गोर, मतलब जो इफेक्ट्स दिखाते हैं वो थोड़ा बहुत लोगों को बदहजमी दे सकता है क्योंकि रियलिस्टिक है मतलब वो छिपा नहीं रहे मतलब आप समझिए अगर आपको हॉस्पिटल जाके उ, 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 ऐसा फीलिंग आता है उसको दस गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए और तो फिर आपके दिमाग में खटेगा कि ये बात एक्चुअली हुआ था बैंड बच जाने वाली है तो आपको थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम तगड़ा होना चाहिए नहीं तो मतलब बस ये जस्ट अनदर डॉक्यूमेंट्री समझ के मत घुस जाइएगा क्योंकि मतलब कुछ कुछ जगह थोड़ा ये बह गए हैं थोड़ा मतलब दिखा ही दिए कि देख लो भाई तुम लोग देख लो कि कौन तांडव हुआ था तो ये समझना बहुत जरूरी है आई थिंक मैंने इतनी ज्यादा मतलब ये गोर नहीं बोलूंगा कि पहले छोटे पे मेरे को बहुत ज्यादा पसंद था ये सब सौ हुआ <laughs> देखना टाइप की चीजें देखना बट मैंने मैंने खुद भी इस टाइप का गोर बहुत टाइम हो गया भाई मेरे को देखे लाइक आर दे होल्डिंग ऑन ऑन लेट मूव आई गेट इट आई गेट एक बार दिखा दिया <laughs> है। फिर दिखा दो और अंदर से अंतड़ियाँ वहाँ कुछ मतलब कि रिएक्शन अब अबे मेकअप मतलब कि मेकअप डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है एफर्ट डाला गया है मतलब आपको पूरा लगेगा कि कोई बैठ के टाइम लेके स्टडी करके मैं हैरान भी नहीं होगा अगर कल को बोलते हैं कि अरे डॉक्टर लोग से कंसल्ट किया गया था हाँ, कि कैसे हाँ, आ, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है ना क्या है मालूम है जो वो सब जो सब जो मास्क पहनते हैं और जिस तरह की सब, सब सफेद टोपी बना मतलब की शायद जाए उनके तो कपड़े देखे जो हमारे काम करते हैं साइंटिस्ट किस मतलब की कंपाउंडर वाले कपड़े हैं ऐसे कपड़े कंपाउंडर पहना करते थे हम लोग के हॉस्पिटल में आप रेडिएशन वाली फील्ड में काम कर रहे बिना फुट फुट हो बिना कोई स्कूट वूट के वाइट कलर का मिल्क मैन तुमने देखा होगा ना अमेरिका में जो मिल्क मैन होते थे पहले वो लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे और जो वो जब जब जैसे सब छत पे जाते हैं ना भाई जो जो खुदार से फेंकते रहते हैं पत्थर के उतने सारे पत्थर नहीं थे बट दैट सीन इज डिट्टो मैन एग्जैक्ट सीन और जब उसका तो ये फुटेज है बट मालूम है क्या जो मेरे को लग नहीं रहा था कि होगा बट जो ये

वो मतलब इतने अच्छे से दिखाया है कि आई रिस्पेक्ट एज एज ए आर्टिस्ट आई लाइक कहते ना आई टिप माई मतलब जिन्होंने बनाया है मतलब जो टीम ने मेहनत किया है <laughs> मतलब टाइम लेके किया है

थिंक इससे पुराने वाले में था देखा मूवी का नाम टाइटल में लिखा है आप लोग को, का? का <laughs> <laughs> लो लो को की मैं कहूंगा देखना चाहिए पंडित जी आप क्या कहेंगे देखना चाहेंगे हंड्रेड देखना चाहिए और बहुत जैसे जैसे लोगों को लगता है कि कोई कोई चीज़ मान लो हिस्ट्री में कोई चीज़ हो रही है तो अपनी हिस्ट्री तो मालूम होनी चाहिए ना बट एक दूसरे वर्ल्ड की भी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए क्योंकि उससे आप इफेक्ट हो रहे हो आप भी इफेक्ट हो रहे हो इनडायरेक्टली प्राइजेस से लेके जो आप इकोनॉमिक्स देख रहे हो और जो जियो अभी चल रही है आप इसको देखोगे तो थोड़ा सा समझ पाओगे कि क्यों हो रहा है ऐसा और कैसे थिंकिंग वाले हैं ये लोग थोड़ा समझ पाओगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इससे कितना मीम आया उसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते कि मतलब आप शो देखे हो चाहे नहीं देखे देखे हो लेकिन आप अच्छा हर कोई मीम देखा इसकी मेरी है <laughs> बता मीम बता मेरे को मैंने <laughs> <laughs> बोलता रहा हूँ लिखेगा तो खूब सारा आ जाएगा चला अच्छा, था इस अच्छा। चीपर हर जगह चलो, चलो अब स्पॉयलर स्पॉयलर्स अब कुछ भी हो सकता है एनीथिंग गोल्स हम लोग स्टेप हाँ, बाय स्टेप बात भी करेंगे अब अच्छी बात खराब बात क्या खराब लगा क्या अच्छा लगा सब चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं <laughs> अबे वो, मैं वो देखा थोड़ा तू बात कर मैं एक आदमी की फोटो दिखाता हूँ हम्म जैसे लेकिन हाँ ये जरूर समझिए कि चूंकि स्टोरी को थोड़ा सा इजी टू डाइजेस्ट बनाने के चक्कर में ये लोगों ने बहुत सारे रियल वर्ल्ड कैरेक्टर क्योंकि ये रियल में हुआ था बहुत सारे कैरेक्टर को कोलैप्स करके एक दो बड़े बड़े कैरेक्टर बना दिया मतलब समझिए कि Uh, जैसे एक ग्रुप जो है जो इसको लिजिगेटर है जो लोग जाके इसको साफ कर रहे हैं तो चार पांच लोगों को जोड़ के इन्होंने एक बड़ा कैरेक्टर बनाया थोड़ा नाम हज हजम हो जाए आप थोड़ा इजिली उसको डाइजेस्ट कर सको सेल कर सको। से <laughs> 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 hmm. <laughs> और इसी से ये मीम आया था कि इज लाइक यू नो नॉट ग्रेट नॉट टेरेबल hmm. इसी से आया था तो वो तूने डॉक्टर्स वाली साइंटिस्ट वाली बात बताई कि बहुत सारे लोगों ah. को कंबाइन करके बना दिया है टॉयलेट hmm, 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 hmm. वाला मीम अभी टॉयलेट वाला मीम ना भाई देखो मेरे को सोशल मीडिया में उतना यूज नहीं करता मेरे को मीम का इतना पता नहीं है इसके टॉयलेट मीम तो वो साइंटिस्ट वाली बात भी सही है और दिस माइनर इज़ अ वेरी कूल कैरेक्टर मैन जिस तरह से ये बात करता है ना तो सब इसको बोलते हैं भाई गड्ढे के अंदर चला जा तो बोलता है पंखा दे दो मेरे को गड्ढे के अंदर जाने के लिए सुरंग के अंदर रेडिएशन के नीचे काम कर रहे हैं भाई पंखा दे दो उसको तो वो बोलते पंखा नहीं दे देता मना करता है तो सब नंगे होकर काम करने लगते हैं हाँ बोलता है डस्ट चली जाएगी अंदर बहुत सारी चीज़ चली जाएगी और बाबा मालूम है एक और चीज़ मेरे को बहुत अच्छी क्या लगी क्योंकि मैं ये डॉक्यूमेंट्री बाद में देखा हुआ तो इसलिए होता नहीं कि तुम अपने देश के लिए दे आर गिविंग देर लाइफ किसी रेडिएशन को बचाने के लिए फिर जब वो yeah. बात करता है उससे कि हम लोग को कुछ yeah. फ़ायदा होगा क्या हम लोग को कुछ कंपनसेशन या कुछ मिलेगा क्या सेम चीज़ दे यूज़ टू डू विथ यू एस एस आर यूज़ टू डू विथ सोल्जर्स ऑल्सो मैं तुम्हारी टीम की टीम मर जी जितने भी लोग जा रहे हैं दे आर गोइंग टू तो सर्टन डेथ बट जैसे mm. कि अमेरिकन बोल सकते हैं विल टेक केयर ऑफ़ यैम फैमिली या फिर मॉप बॉसेस बोलते हैं टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली नथिंग गेट एनी थिंग जस्ट गो एंड डाई

Hmm. आगे जाने वाले हो में। कैपिटलिज्म और ये तुम्हारा सोशलिज्म बोलेंगे या फिर माउजम बोलेंगे कॉम्युनिज्म बोलेंगे पता नहीं क्या बोलेंगे Communism, Communism. सब माउजम <laughs> बोलते हैं भाई मैं चाइना की भी डॉक्यूमेंट्री देख लिया एक साथ साथ में हम पम क्या बोला थ्री पॉइंट एट हाँ रेबल <laughs> एंड <laughs> <not> <laughs> <laughs> उस पैस सालों के इंस्ट्रूमेंट तो रजिस्टर नहीं कर पाते हैं बट स्टार्टिंग का जो सीन था जो अगर आप देखो <laughs> आपको लगेगा हाँ डूट दिस सीरीज इज गोइंग टू टेक इट सेल्फ वेरी सीरियसली बेचबक बीच में थोड़ा बहुत हो सकती है but ज़्यादा नहीं होने वाली <laughs> जब वो सब साइंटिस्ट बैठे रहते हैं बहुत दूर तक तो अपनी खिड़की आकर बंद करने लगती है वो लेडीज़ को लगता है कुछ दिखता है उसको

तो ये जैसे कि वो कॉस्ट कटिंग करना कि सबसे खतरनाक कॉस्ट कटिंग था कि वो रेडिएशन 200 मीटर जो है आगे का रखना ही नहीं कि मतलब ठीक है आपने मेजॉरिटी 100 मीटर आपने रखा 3.8 लेकिन <laughs> उससे ऊपर क्यों नहीं जा रहे हो इट्स लाइक व्हाट और ये उनका लॉजिक ये था कि अगर इससे ऊपर जा रहा तो बहुत बुरा है तो इट्स लाइक दैट मींस यू नीड टू नो अगर इससे ऊपर जा रहा है तो <laughs> Yes, क्योंकि ना कि अप, अपना सिर आ, सैंड के अंदर रखने वाला लॉजिक था mm -hmm. और ये आप देख सकते हो कि और ये बात एकदम सच में हुआ है लाइक दिस हैपेंड यही अर्ली रिस्पांस को डिले कर दिया था mm -hmm. यही अर्ली रिस्पांस को डिले किया था अगर अर्ली रिस्पांस फटाफट होता बहुत अच्छे से ये त्रासदी मैनेज की जा सकती थी ऐसा नहीं था कि टेक्नोलॉजी नहीं था या खर्चा नहीं होता सब चीज हुआ लेकिन अगर तुरंत रिस्पॉन्स करते काफी लोगों का जान बचता और मतलब रेडिएशन एक्सपोजर जो इन्वायरमेंट हो वो बहुत कम होता लेकिन मतलब आधा टाइम तो बता समझिए जो लोग ढंग से काम कर रहे हैं उनको दिखाया है ना बट जो इन लोगों की जो इनर पॉलिटिक्स और सुपीरियरिटी और कैसे डील करते हैं सीक्रेट्स इसके सीक्रेट्स उधर वो अपने एडवांटेज का देख रहा है पॉलिटिक्स भी इसमें शो किया है उस टाइप की केजीबी के बारे में थोड़ा सा बताया कि केजीबी क्या काम करती है मेरे भी फॉलोवर जो उसका हैड mm है -hmm. like उसको भी लोग फॉलो mm -hmm. कर रहे हैं सबके पीछे और जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनको भी दो लोग फॉलो कर रहे हैं आई थिंक स्पाई सिस्टम को दिस इज वॉट इंट्रीड मी टू वॉच सम ऑफ द कोल्ड वॉर डॉक्यूमेंट्रीज पम्प जो स्पाइस वाला चीज़ था क्योंकि के के जो स्पाइस लोग थे वो लोग भले तुम अच्छा काम mm -hmm. कर रहे हो तुम साइंटिस्ट हो तुम गवर्नमेंट वर्कर हो तुम हेड हो यू आर ऑलवेज गेटिंग फॉलोड फॉर इंफॉर्मेशन प्लस जो यहाँ पे हायर लेवल पे जो एक साइंटिस्ट है पता नहीं, नहीं वो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है कि नहीं वो साला मानता ही नहीं है फिर उसे मना करके वो बटन हाँ, हाँ, ऐसे मोमेंट पे प्रेस कर देता है पे होना ही नहीं चाहता अच्छे एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा उसको आप ये रिएक्टर में एक शटडाउन सिस्टम है कि अगर कुछ हो जाए ये शटडाउन सिस्टम आप दबा दीजिए गाड़ी शांत हो जाएगी प्रॉब्लम ये था क्योंकि उन्होंने कॉस्ट कटिंग की थी वो शटडाउन सिस्टम हर समय नहीं चालू किया जा सकता मतलब कुछ कुछ स्टेट में आप चालू करोगे सही है गलत स्टेट में अगर आप चालू कर दिए वो बूम कर देगा तो हिसाब वही हुआ कि मतलब गलत स्टेट में मतलब पहले चिल्ला रहा था जो स्काडा सिस्टम था आप देखेंगे इस वीडियो में बताया सिस्टम

Mm -hmm. तो आई थिंक इसमें mm -hmm. एक सीन है कोर्ट में जिसमें वो समझाता mm -hmm. है लेके बेचारा दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स मैं मालूम है क्या वो चीज़ मैंने रियल mm लाइफ -hmm. में तुम तूने भी देखी बहुत सारी कि जब कुछ रिकॉर्डिंग होती रहती है तो लोग कैमरे के नीचे से भागते हैं तो कोर्ट mm -hmm. कोर्ट जो सीन था ना जब वो आराम से बैठ के कांग्रेस समझाता है कभी कुछ गिर गिर जाता है मतलब एवरी थिंग इज नॉट परफेक्ट जैसे कोई प्रेजेंटेशन देता है कोई किसी को समझाने की mm -hmm. कुछ कोशिश कर रहा है पम अगर और तो बहुत टेंस सिचुएशन में है एवरी डाई उसका जिस तरह से वो बोर्ड पे लेके कांग्रेस को एक्सप्लेन करता है जो जो तू अभी एक्सप्लेन कर रहा है ना वो फेल सेफ के बारे में बहुत सारी चीज बताते हैं किस चीज को क्या हाई करता है क्या अप करता है क्या लो करता है कांग्रेस <laughs> <What? laughs> <laughs> हाँ ये मतलब ये ये बात एकदम सही है कि हर कोई हर चीज नहीं समझ सकता है लेट्स बी रियल मतलब ये अ, अगर उस जगह पे आप भी आ जाते क्योंकि ये ये, ये जैसे काफी लोगों लोग नहीं समझता कारण यही है मतलब आप कितने लोग को समझाओगे आधा से ज्यादा लोग यही बोलेंगे आपने बोला ये आया था तो ये कहां गया अरे भाई हाफ लाइफ होता है अरे तो हाफ लाइफ कितना दिन का पांच मिनट का है इट्स लाइक व्हाट द हेल आप सोच लीजिए कि पांच मिनट पहले आपका रिएक्टर एक जैसा था दूसरे बाद बदल गया इट्स लाइक व्हाट द हेल इसीलिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स है इसका कॉस्ट इतना ज्यादा इसीलिए

हेट वॉच कर रहा है <laughs> <laughs> hmm. आ, और तो भाई। तो वही है ये एक, कॉन्टेक्स्ट वही है कि यहाँ पे यूएसएसआर का जो एटीट्यूड है एग्जैक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल भी कीजिए अभी पुतिन वही कर रहा है कंट्रोल सी कंट्रोल भी है इट्स लाइक इट्स नॉट इवन फनी एनी मोर इट्स लाइक ट्रैजिक एट दिस पॉइंट इन टाइम इज जस्ट गाड एम ट्रैजिक इट्स लाइक भाई आप आप खुद भी मरोगे सबको लेडूबोगे

रेडिएशन uh, का सफाई करना है उसके हिसाब से रोबोट्स भेजो <laughs> लेकिन ओरिजिनल नंबर बताए नहीं कि ओरिजिनल नंबर रेडिएशन का, का। हाँ, सैटेलाइट हाँ, हाँ, अच्छे नहीं थे हाँ, हाँ, हाँ. उसके आज के सैटेलाइट तो बता देते हाँ हाँ सरकार का हाँ. नाम भी कर रहे हो

लेकिन ये आप कर, आप करोगे ही नहीं आप बताओ नहीं बताओगे बोलते ना the हाँ, हाँ, like like हाँ, like दे देम द पार्टी नंबर दैट वाज लाइक लाइक वेरी दिस दिस इन इन रियल लाइफ करना चाह रहे हो लेटूब रहे हो. <laughs> मैंने ये कोल्ड वॉर वाली डॉक्यूमेंट्री जो, जो, जो प्लेलिस्ट है मैंने डाल दिया <clears throat> तो तो इंटरेस्ट था बट आई थॉट मेरे को सेम लगता है ना कि अभी भी कि किसी को पता ही नहीं कि सर अंदर क्या चल रहा था जो मिसकम्युनिकेशन की चीज़ें दिखाई ना कि गवर्नमेंट लेवल पर कितना खतरनाक मिसकम्युनिकेशन हो रहा है कौन किस क्या बोल रहा है कौन कहाँ से क्या बोल रहा है और जो हेड है वो बुढ़ा गया है उसको भाई कुछ <laughs> को लॉजिक कुछ सेंस नहीं बन रहा है ये सब जो जनरल्स हैं सब दे मेकिंग द माइंड ऑफ द ओन जिसको लोग हैंडल कर रहे हैं दे आर डूइंग दर ओन वर्क सो साउंड नॉट क्लियर ऑल राइट बाबू फक ऑफ <laughs> अभी क्लियर <clear>? है <laughs> अभी क्लियर था ऑल इन वन हाउ अबाउट फक ऑफ दैट वाज मैंने सोचा नहीं दैट जस्ट केम आउट रोल डॉट ऑफ माय टंग क्विकली सो एज आप लोगों को अगर किसी ने चर्नोबल देख लिया है अगर आप लोगों को थोड़ा और डेप्थ mm. में देखना है कि अगर इस अभी सिचुएशन को समझना mm. है जो यूक्रेन और रशिया के चल रही है सो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस लाइक ट्वेंटी फोर पार्ट की डॉक्यूमेंट्री फोर्टी फोर्टी मिनट्स के हैं बट नरेशन hmm. और ये सब बहुत स्ट्रांग है और मेनली इसमें hmm. एक एपिसोड डेडिकेटेड है के का hmm. और hmm. एक है डेडिकेटेड तुम्हारा चनो का hmm. तो उसमें जो ये तुम तेरे को बंदा याद है वो जिसके सर पर आई वाज सीइंग लाइक लाइफ इमिटेट इन रियल लाइफ ना क्योंकि मैंने देखा था मेरे को वो बंदा याद था जिसके सर पे निशान था राइट hmm. जो अभी जो मीटिंग में बैठा रहता है hmm. अभी जिसके टकले पे रेड कलर का निशान था जो रिमेंबर दैट गाय अच्छा 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 रिमंबर सो दैट इज गर्वच ऑफ गोवचॉ <coughs> जाके ना बाद में ही बिकेम द मेन गाय रशिया का hmm. समझ रहा है और उसी hmm. के रहने में वन ही वॉज द हेड तभी चैनोबल डिजास्टर हुआ था तो स्टार्टिंग में तो सब छुपा रहे थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग hmm. में में सब बोले किसी को पता नहीं चले किसी को पता नहीं चले किसी को पता नहीं चलेगा पूरा आ, ये, ये, ये दूसरी बात है काफी लोग बोलते हैं ना कि वेस्ट से आप इन्फ्लुएंस हो वेस्ट से इन्फ्लुएंस हो यहाँ पे ये समझिए कि वेस्ट का न्यूज पे आपको ज्यादा भरोसा करने का चांसेस इसलिए रहता है कि वेस्ट में दो पार्टी है

एम पी एम बोलते थे तो, तो जो ये लोग थे दे यूज दे यूज द कॉमेंट जब जब निक्सन था तो उसका कुछ वाटर गेट हो गया था धैनी रिजाइंड तो सब सोच रहे थे कि यार इतनी छोटी सी बात के लिए उसकी उसकी किसी पार्टी मेंबर्स ने कुछ पोलिंग का ए, कुछ डेटा कहीं चुरा लिया था तो यूएसएसआर के समझ ये लोग वॉट लेवल दे आर थिंकिंग कि जो इतनी छोटी सी बात के लिए तुम तो उसको हट दे कैन रिमूव द मेन ग

यूटर्न भी नहीं मार सकता कि इट्स लाइक like, uh, हम अपना सोल्जर्स को वापस ले लेंगे इट्स लाइक दे कांट डू दैट कि इट्स लाइक और ये एग्जैक्टली exactly, चेर्नोबिल में ये बार-बार हुआ लेकिन बट आई हैव टू रिस्पेक्ट इट आई हैव टू रिस्पेक्ट इट कि जो बंदा क्योंकि अगेन इट्स रियल लाइफ कि uh, मतलब समझिए रिएक्टर बूम हो गया ठीक है hmm. और जो महिला इन uh, इन

सो इट्स लाइक वो मानिए नहीं रहता तो अभी थक जाता साइंटिस्ट थक जाता कि भाई मैं क्या करूं इसका साइंटिस्ट mm -hmm. थक जाता है मैं क्या करूं लेकिन mm -hmm. वो बोलता है कि इट्स लाइक देन व्हाई डिड वी सॉ सम ग्राफाइट ऑन द रूफ तो वो बोलता है कि नो सर यू हैव नॉट सीन ग्राफाइट यू मस्ट हैव सीन कंक्रीट अभी जो इन ये इंस्पेक्टर उसका दिमाग ठनक जाता है भाई कंक्रीट हमें ना सिखाओ कंक्रीट mm -hmm. हमारा दुनिया है वो आई नो कंक्रीट हाउ इट लुक्स लाइक हैज आल्सो डन अ गुड एक्ट इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है जो मेन साइंटिस्ट एक्टर किया उस प्लेयर में बोलता है इफ यू डोंट टेल मी आई विल थ्रो यू ऑफ दिस प्लेन आप उस देश पे आंख मुद करके भरोसा कर सकते हैं जिसमें दो तीन पार्टी लड़ रही है uh -huh. उस पर कभी नहीं भरोसा करते जिसमे सिर्फ एक है क्योंकि दे है उन्होंने सबका चॉइस हटा दिया ना आप चॉइस हटा दिया तो आप कैसे जानते हो कि सही क्या है गलत क्या है और यहाँ पे ये पूरे शो में बहुत अच्छे से एक्सपोज किया गया क्योंकि ये समझिए दिस दिस इज अ रियल लाइफ थिंग और यहां पे काफी लोग oh बता नहीं सकते लिटरलीब uh, करता हूं वहां पे दो तीन कम्युनिज्म इज ऑसम एम लाइक डूड आई एम नॉट जोकिंग आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल लिटरली आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल कम्युनिज्म बट वहां द स्पेस की बात ही छोड़ देना उन लोगों ना मेरे को तो लगता है मेरे को बहुत सारी चीजें पता नहीं थी ठीक है मैंने ये देखी ना योरी जो द काइंड ऑफ आर्म रेस वर डूइंग विद अमेरिका राइट अमेरिका का बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही बट अमेरिका कुड अफोर्ड इट

ये क्या बोलते हैं मतलब सीधा सीधा हिसाब में ये समझिए कि लिटरली वो लोग अपने एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट को मार दे रहे थे क्योंकि वो पार्टी के अगेंस्ट बोल रहा था लिटरली दिस इज हैपेंड इसीलिए बोलता है कि डिक्टेटरशिप पे जो लोग भी चाहते हैं ना भले उसको किसी भी नाम पे दे दिया जाए कम्युनिज्म कर, कर दिया जाए लेकिन आप डिक्टेटरशिप को डिक्टेटरशिप ही है.

सो so, hmm. जो ये है ना जैसे कि अल्टअली जो ये न्यूक्लियर वाले भी सेफ गार्ड सब रख रहे थे बट अभी hmm. जो मैं बीस में देखने के बाद मुझे पता चला कि देर वॉज वन साइंटिस्ट जब पहला एटॉमिक बम यहाँ पे जब सब टेस्टिंग कर लिए थे जो उनका साइंटिस्ट था ना वॉट ही थाट कि अमेरिका उसकी थिंकिंग भी अब तो उसके तरफ से सोचे पर ये ये सोशलिज्म और कॉमिज्म की थिंकिंग नहीं है वो ये सोचा कि वाई शुड अगर अमेरिका के पास ही सिर्फ रहेगा ये देन दे कूड डोमिनेट द होल वर्ल्ड तो इट शुड भी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली दैट इज़ अ करेक्ट थिंकिंग बट कभी कभी मामले में भाई अमेरिका थोड़ा सा अपने लोगों का सोचता है बट दे हैव हाँ अ सिस्टम अ पार्टी सिस्टम ऑलवेज होता है कीप्स चेक्स एंड बैलेंसेस बैलेंसेस चेक्स एंड हां वहां पे लोग मतलब वियतनाम वो बहुत सारी चीज वहाँ पे है यार तू कर सकता है डेमोंस्ट्रेशन बट वही चीज़ तू किसी किसी जाके उठा के दे दिया उसने डिक्टेटर को वहां पे दे दिया फिर रसिया पहले गया फिर पहले पे पहले गया वो उसका बॉम्ब बनाया गया और देखिए भाई स्पाइस का ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग माला में किस चीज़ में रशिया आगे था जैसे कि यूएस का टेक वाले फ्रंट में

आई थिंक स्पाइज वर वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स दे है स्पाइंग मतलब कि दे वर जस्ट अनदर लेवल यूके यूएस कोई कंपेर नहीं उसके एजेंट आएंगे भाई डबल एजेंट बना लेगा उसको डबल एजेंट फिर पहले दिस इज मूवी और कुछ देवर ऑल्सो वर्किंग उथ होकर बहुत सारे अलग तरह के एजेंट भाई जाके सब रह रहे हैं लाइफ जी रहे हैं अमेरिका में क्योंकि उनको पता था कि अमेरिका में एक दो बार सब मार दिए थे बट स्टार्टिंग में क्या अमेरिका ना डेथ पेनल्टी हटा दिया था कुछ टाइम बाद से दे नॉट गिविंग दम डेथ पेनल्टी और रशिया में गिट्स बुलेट टू द हेड ब्रो So I think अभी वहीं से चुराया पहली बात न्यूक्लियर वाला चीज फिर खुद से बनाया hmm. फिर उसमें और कॉस्ट कटिंग कर रहे हो दूसरे की टेक्नोलॉजी रहे हो फिर जब हो जा रहा है तो अपने लोगों को नहीं बचा रहे हो hmm. फिर न्यूज से छुपा रहे हो रियल oh. uh, वही, 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 like, खुद सोच लो ना हाउ द हेक जर्मनी पानी तक अभी पानी वाली बात है ना कि पानी तक देखने लगा था इतना बड़ा रेडियस था इसका किसी नदी की बात थोड़ी सी की बोले तो नदी तक देखने लगा था जर्मनी की नदी हाँ, की बात हाँ, मतलब था? ये ये आ, अंडर वाटर उस तक पहुंच जाते तो वो हाँ, आ, मतलब बहुत सीरियस नुकसान हो जाता मतलब हाँ, ले डूबते मतलब बहुत ज्यादा <laughs> मतलब बहुत बहुत बोलता है ऐसे पानी फेंको पानी <laughs> फेंको पानी फेंको तो बोलता नहीं नहीं मेरे को क्या चाहिए क्या, क्या क्या बोलता है सैंड सैंड सेंड बोरॉन सैंड एंड बोरॉन क्योंकि पानी मेंउ कर सैंड ऑल दैंड आ, कारण ये है कि ये क्या बोलते हैं तुम आ, अगर ये पानी डाल देते रिएक्टर में तो रिएक्टर उतना हाई रेडिएशन में पानी स्प्लिट हो जाता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता और वो फट जाता और वही हुआ <laughs> रिएक्टर में वही हुआ वही हुआ लाइक दैट्स व्हाट हैपेंड वाटर एक्सप्लोडेड वाटर एक्सप्लोड कर जाता हाई रेडिएशन में सेम ये में भी, भी वही हुआ कि वाटर hmm. जब सुनते हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हो गया हाइड्रोजन कहां से आया था कारण वही था कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट को कूल कर रहे थे कूलिंग जैसे बंद हुआ रेडिएशन बहुत ज्यादा बिल्डअप होने लगा और पानी स्प्लिट कर गया

क्या मैं भी ये करता वुड बी ऑल्सो कि या फिर प्यार में हो जाता है आई थिंक हो जाता है देख भाई it's, uh, ये इस like I know आई नो दैट life। बट तू मेरे को ये चीज इज दैट करेक्ट जब वो बोलता है कि उसने उसको हक करने के बाद उसको भी रेडिएशन हो गया बट उसका बच्चा सारा रेडिएशन सोख लेता है फिर वो मर जाता है कैन दैट है

ये ये फोटो पंडित जी तुमको व्हाट्सअप एक फोटो भेजे डाल दो ये <laughs> क्या व्हाट द हेल अच्छा हाँ वो सकाफोकस वो एक बहुत बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है उसको मतलब सील करने के लिए उसको सील का नहीं है रिएक्टर का रेडिएशन मतलब बेसिकली रिएक्टर को बाहर से जितना आइसोलेट कर सके उतना अच्छा रहेगा <laughs> ये <पो... laughs> अपनी मम्मी से कर इस मम्मी <laughs> <Bilder> like <stereo> <Pentazhi loud> के फोन से कर रहा है क्या चलो ठीक है ठीक है तो हम आप सब लोगों को कहेंगे कि ये क्योंकि अभी जो रशिया में हो रहा है ना इट्स लाइक आपको उसका फील फील्स दिखेगा ऑब्वियसली डिटेल नहीं दिखेगा लेकिन आपको उसकी फीलिंग आ जाएगी कि रशिया क्यों फंस गया ऐसा करंट जगह में खुद भी मर रहा है और बाकी सबको ले डूब रहा है आपको एक्जैक्ट फील आ जाएगा गारंटी मेरी है और हाँ ये जरूर समझे कि ये डॉक्यूमेंट्री के तौर पर बनाया गया लेकिन थोड़ा सा आर्टिस्टिक ये लिए हैं टच लिए हैं ऐसा नहीं है कि हर एक चीज एक्जैक्टली प्रिसाइसली दी है क्योंकि ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में बहुत साइंटिस्ट लगे थे उसको सल्टाने के लिए साफ करने के लिए लेकिन बात वही था कि दिट देयर बेस्ट दिडिट देर बेस्ट और ये डॉक्यूमेंट्री वालों ने भी दिट देयर बेस्ट होता है कि अब जैसे मैं बहुत सारे हल्के शो देखता हूँ लेकिन हर शो अच्छा हो जरूरी नहीं है बहुत सारा शो होता है कि जो अपने आपको जरूर से ज्यादा ये लेता है क्या बोलते हैं मतलब सीरियस uh, लेता है लेकिन फ्लॉप में लगता है कि अरे यार आई गेट इट लाइक यू नो यहाँ पे एक बार भी वैसी फीलिंग नहीं है किस जो एक्टिंग है इट्स ऑन ए होल डिफरेंट लेवल क्या कहेंगे देर दे वर नॉट ट्राइंग टू हार्ड आल्सो दे वर लाइक सटल अबाउट इट मतलब कि सीरियस एंग्री बट दे वर नॉट इधर देवर नंप लेके हर एक हर एक डायलॉग शाउटिंग मैच नहीं होता है देयर इज अ बिल्ड अप दबाता रहता है mm. दबाता रहता है जब इज सच अ ग्रेट एक्टर है वो जो बंदा है ना वो mm. उसका नाम भूल जाता हूं mm. जब वो मीटिंग में बैठा रहता है सॉरी आई आई हैव टू से समथिंग जब वो उसका हाथ कांपने लगता है ना वो बताता है एक्सप्लेन करता है कि अरे नहीं यू आर रॉन्ग

हाँ। वही है कि यहाँ पे एकदम जो छिपाने का ये ये होता है करप्ट लीडर्स के पास जब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता ना वो भूल जाते हैं उनके नीचे वाले भी करप्ट हैं ये हमेशा होता है दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स की इट लाइक हमेशा होता है कि ये है ना कि मैं करप्ट हूं मैं ऊपर हूँ तो सब बल्ले बल्ले है इट लाइक भाई तुम्हारे नीचे वाला भी करप्ट है वो तुम्हारे वाला अबाउट दैट पर्सन टेल्स यू लाइक तब क्या करोगे तुम और तुमने तो चेक बैलेंस खुद ही हटा दिया

तेरे को कोई चीज़ खराब लगी मैं बता बताऊँ मेरे को चीज़ खराब लगी तो मैंने बताया हुआ है टोल्ड दिस विगरसली मेरे को जो एक चीज शो में खराब लगी दैट वॉज दैट वॉज द फैक्ट की फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इट रियल इफ यू आर कीपिंग इट रियल कीप इट रियल कीप योर शिट रियल तो जैसे अभी कुछ कुछ टाइम पहले एक बंदे ने बोला था कि यार मैंने देखा नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घिराना लगा उसको बहुत ज़्यादा गोर दिखा दिया आई आई ऑल्सो पुल थ्रू इट मैं भी अपना दाँत चबा के देख रहा था मैं देख रहा था उसको बट

दे दे सीन की जब भी वो डॉग को मारता है तो कभी दिखाता नहीं है सामने मारते हो फिर वो जाता है वो एक घर के अंदर फिर वहाँ पे एक एक बड़ी डॉगी रहती है फिर उसके चार पांच बच्चे रहते हैं फिर ये बच्चा मार नहीं पाता है, फिर वो बोलता है, तुम चले हो मैं मार देता हूँ मैं बोल रहा हूँ भाई जब ह्यूमन का दिखा सकता है मेरे को खिलानापन अंतड़िया उन्तड़िया भाई कुत्ते का भी दिखा दे मेरे को नहीं कर सकते थे ना कॉस्ट बहुत ज्यादा आता क्योंकि तुम उसको करते कैसे सीजी करना पड़ता है ना तुमको और सी महंगा पड़ता है फरी एनिमल्स का सीजी बहुत महंगा पड़ता है आदमी आदमी एक्टिंग कर सकता है 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 तो तुम उसको कुछ दिखा 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 सकते भाई मरा हुआ लगा हुआ लगा दिखा है दिखा ना चल चल ठीक ठीक जैसे जैसे आदमी का तू तू बोल रहा है कि इफेक्ट्स मत दिखा, गोली मारने मर तब दिखा दे मेरे को अगेन वो से करते उनको प्रैक्टिकल देखा नहीं कितना Wake up on human is one thing. Wake up on animal is a completely different Not thing. Not on animals, pump -pum. I have seen cheaper movies. I have seen cheaper movies shown dead animals uh -huh. better. अरे तो इनको दिखाने की जरूरत नहीं थी. They made a call. They made a call. They did not need to do it. But they, they did showed, not need to. But, but they showed that they were doing it. I was like, अगर बोल देते वो चीज़. They showed the scenes. They had a build up.

is their choice you are saying you agree with them i am ये... saying i disagree with them so let's agree to disagree yeah. pump -pum. that's what i, mean. a I jab, am saying तुमको ब्लड बैथ देखना है तो ब्लड बैथ ऐसे लग चीज़ जब हमारी

मरो फ्री का मरो लाइक like, भले आप जनरल हो भले आप डॉक्टर हो भले आप लड़ाई में कोई काम के नहीं आ सकते लेकिन आपको मरना तो पड़ेगा वही था यूएसएसआर लाइक इसीलिए मुझे मुझे अंदर से घृणा होती है जब लोग कहते कि, like, like, we, there, there, it, it, it हैं कि आई आई सपोर्ट लाइक आर यू किडिंग मी तो इसलिए क्या कर सकते हैं करप्शन तो हर जगह रहेगा बट अगर कुछ चेक हाँ, हो हाँ, तो 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 थोड़ा कम होगा हाँ, तो स इज ब्रेक आपके पास है। मतलब आपकी गाड़ी कहीं पहाड़ में जा रही है तो आपको कोई तो ब्रेक चाहिए सुपीरियर्स mm -hmm. mm -hmm. like mm -hmm. uh, तो थे वु नो इंस्टेंटी क्या हुआ अच्छा हाउ कैन वी मैनेज इट वो जो छुपा के जो उतना डिले किए दैट मेड एवरीथिंग वर्स्ट क्योंकि एक्सपोजर रेडिएशन एक्सपोजर का साइड इफेक्ट आने में टाइम लगता है

और फायरमैन वाली बात भी एक्यूरेट थी भाई भाई जो फायरमैन सीन इनकाउंटर कर दिया दट इज ऑल्सो देर मैं मैंने उल्टा देखा है जो पहले लोग डॉक्यूमेंट्री देखते <laughs> देखते हैं कि लगता है कि शो में देख रहा हूँ आई वाज लाइक जनवली सरप्राइज हाउ एक्यूरेट दे कैप्टेट फ्राम दॉमरे मरा था uh, explosion? Explosion से कोई नहीं मरा था hmm. मरे थे लोग रेडियशन सीखने से इसीलिए hmm. hmm. तो दे, दे, दे दे दे, just... देखो बता रहा के बाद कॉन्क्रीट बाहर निकल गया था उसके बाद जो लोग आए थे उन लोगों के कपड़े में हर जगह वो चीज फैल गई थी ठीक है तो जब वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे जाके उसकी बॉडी देखने आती है तो उन्होंने देखा होगा वो नर्स नर्स का हाथ पे लग रहता है फिर सबके कपड़े लेके जाके नीचे रख देती है हॉस्पिटल के बेसमेंट hmm. तो को याद है एंड दोस क्लोथ्स आर स्टिल देयर पंपम हां वो चेरनोबिल में तो है वो तो हां that... वो अभी आप देख सकते हो भाई भाई मेरा वो आई एम गेटिंग गूज बम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट दोस क्लोथ्स आर स्टिल देयर इन द फकिंग बेसमेंट ऑफ हॉस्पिटल को देयर दे हैव रेडिएशन हम्म डैम डैम दिस दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग लाइक मुझे जेन्युइनली यही अफसोस होता है कि इतना होने के बाद भी लोग नहीं सीखे एंड अगेन यूएस वाले लोग अभी लड़ रहे हैं हमें कम्युनिज्म चाहिए एंड आई एम लाइक आर यू फ्रिकिंग किडिंग मी आर यू फ्रिकिंग किडिंग मी इंडिया में लोग चाह रहे हैं

ट वॉज एक्सट्रीम देवर लाइक देवर बर्निंग ऑल द चर्चे टेम्पल्स मूर्ति वेस्टर्न कल्चर के सब छाड़ा दीजिए चाय डॉक्यूमेंट्री देखा था कम्योनिजम वाले क्या करते हैं वो मार्क्सम जो है जो मार्क्सिस से आता है चाइना <laughs> <general laughs> <and Marxist laughs> yeah. और मार्क्स से दे थिंक गॉड और यह सब चीज़ सब कुछ मसली नहीं है सब फेक है सब जलाओ सब भगाओ यहाँ सारी बुस जला दो तो किताबें जला दो सो so, पहले आगे पढ़ लो पूरा क्या करता है वो देव टू डिसाइड बिटवीन गॉड एंड कम्युनिज्म कई, <laughs> कई लोगों से ही पूछते ना भाई लोग बोलते हैं कम्युनिज्म कम्युनिज्म जानते हैं वो लोग कॉनम बट आज दम अबाउट गॉड दैन दे विल टर्न बैक ऑन दैट सब्जेक्ट About the तो क्या सही है क्या गलत है अगर समय बोल देता है तुम गलत हो समय मिटा देता है तुमको दुनिया से तो तुम गलत थे तुम तो मार हु कर दो तुम मार झिंगल कर दो बट एट द एंड डेम जज इज यू अन यू डाई दी एंड तुम रिएक्टर को छिपा नहीं सकते तुम कहने का हल्ला कर दो तुम हुलुलु का हुलुलु कर दो तुम हुलुलुलु हुलुलुलु का कर बट यू डाई एट द अदर एंड ऑफ इट अब देख ना, अब ना इफ कैन लर्न समथिंग फ्रॉम हिस्ट्री देखो जिस जिस जगह hmm. पे जाके अमेरिका ने उसको कैपिटलिस्ट बनाया था जैसे कि यू कैन सी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया डूड देयर इज अ बिग डिफरेंस नॉर्थ वाला वहां से hmm. चाइना और इधर रशिया वाले चक्कर में वो आके अपना वो सोशलिज्म कम्युनिज्म कर रहे थे यहां पे लोग डेमोक्रेटिक बन गए डेवलप्ड के वहां hmm. पे वो अपनी आर्मी और घर फेक करता है मोटा

टू हंड्रेड किलोमीटर रशिया तो रशिया जाएगा कि भैया मैं दो सौ किलोमीटर वॉर जोन में क्रॉस कर सकता हूँ पांच नहीं कर सकता और जो लोग कर सकते हैं वो सीधा सीधा उधर जा रहे हैं वेस्ट में जा रहे हैं अब देख लो ना मान लो कोई ब्लॉक में रह रहे हैं मान लो हम लोग सौ लोग इस तरफ रह रहे हैं सौ लोग इस तरफ रह रहे हैं कम्युनिज्म फॉलो कर रहे हैं और एक ये, ये फॉलो कर रहे हैं अगर ये फॉलो कर रहा है डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो अपने सबके लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा और एक चाहेगा कि मैं हमेशा टॉप पर रहूँ मैं ही लीडर रहा मेरी फैमिली वाले सब कुछ टॉप पे तो आइडियाज किस में ज़्यादा फॉलो करेंगे भाई बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है विल मोर

Okay, <laughs> bye. Right. bye bye bye